व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एकदम देसी इंडो चाइनीज रेसिपी बना रहा हूँ, चिकन चॉपर राइस। अभी ये चिकन चॉपर राइस होता क्या है, जब छोटा था तब से हमारे घर के पास एक छोटा सा चाइनीज जॉइंट है, वहाँ पर शेरपा राइस मिलता है, चॉपर राइस मिलता है, अलग अलग टाइप की चीज़ें, कॉम्बिनेशन राइस मिलता है। और ये जितने भी छोटे इंडो चाइनीज़ वाले, देसी चाइनीज़ वाले एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, उनके पास बहुत अलग अलग यूनिक रेसिपीज़ होती हैं। तो बेसिकली चॉपर राइस होता क्या है, सारी चीज़ें चॉप्ड होती है, चिकन एकदम छोटे छोटे पीसेस में चॉप्ड होता है, और एक राइस बनाए जाते हैं, एग फ्राइड राइस, और उसके ऊपर एकदम थिक ग्रेवी होती है चिकन की, जिसमें छोटे छोटे चिकन के क्यूब्स होते हैं, साथ में बहुत सारा अंडा होता है, रेड कलर की एक ग्रेवी होती है जो बहुत ऐसे टैंगी स्पाइसी सी होती है, और इसको राइस के ऊपर डाल दिया जाता है, साथ में थोड़े से फ्राइड नूडल्स खाओ, बहुत मज़ा आता है, एकदम देसी चाइनीज़ रेसिपी है। ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीका है, देख लेते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए एक वॉक ले लीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार वॉक गर्म हो जाए तब उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1/3 कप स्प्रिंग अनियन बल्ब्स, 1/3 कप फ्रेंच बीन्स, 1/3 कप कैरेट, 1/3 कप कैबेज, और एक चुटकी भर शक्कर डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इन वेजीज को हाई फ्लेम पर टॉस कर लीजिए। फिर एक बोल में एक अंडा ऐड कीजिए, एक चुटकी भर नमक ऐड कीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए। अब वॉक के अंदर बीच में थोड़ी सी जगह बनाइए और इस फेंटे हुए अंडे को ऐड कर दीजिए। अंडे को हल्का सा सेट होने दीजिए। एक बार अंडा हल्का सा सेट हो जाए तो अच्छे से स्टर कर लीजिए और अंडे को अच्छे से पका लीजिए। अब इसमें 5 कप कुक किए हुए सैला बासमती चावल ऐड कर रहा हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए, चुटकी भर व्हाइट पेपर पाउडर, चुटकी भर एरोमेट पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर ऐड करके अच्छे से टॉस कीजिए, और टॉस करते हुए या स्टर करते हुए राइस को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए आपको पका लेना है। एक बार आपने चावलों को अच्छे से स्टर करके पका लिया है, इसके ऊपर से स्प्रिंग अनियन ग्रीन चॉप करके ऐड कर दीजिए और हल्का सा स्टर कर लीजिए। अरे आप देख सकते हो, हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो गए। हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं यहाँ पर। अब फ्राइड राइस में जो चावल यूज़ किए वो सैला बासमती है। जितने भी इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते हैं वो सैला बासमती का ही यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होता है चावल और टूटता नहीं है टॉस करते समय, इसलिए यूज़ किया जाता है। 5 कप कुक्ड चावल यूज़ किए हैं। लगभग 1 से 1.5 कप आप चावल बनाएंगे तो ये क्वांटिटी इजीली बन जाती है। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चावल है तो उससे भी ये रेसिपी बना सकते हो। चावलों को अगर आपको परफेक्टली पकाना है ऐसे इंडो चाइनीज स्टाइल रेसिपीज़ के लिए, तो मैंने अपने दूसरे फ्राइड राइस की रेसिपी में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप देखकर अच्छे से चावल को घर पर उबाल पाओगे। तो राइस बन गया, अभी ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट ले रहा हूँ। चिकन ब्रेस्ट को आपको अभी चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले इस तरीके से इसके थिन स्ट्रिप्स कट कर रहा हूँ। एक बार अच्छे से आपने थिन स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं तो इनको इस तरीके से चॉप कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। एक बार आपने चिकन को ऐसे पीसेस में चॉप कर लिया, इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। एक बोल के अंदर 3 अंडे आप तोड़कर ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर 1 चुटकी भर नमक डालकर अच्छे से आपको अंडों को फेंट लेना है। अब जो चिकन है, चिकन के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून विनेगर। अब 2 टेबलस्पून यहाँ पर जो अंडे आपने फेंटे थे उसमें से 2 टेबलस्पून अंडे ऐड कर दीजिए, साथ में 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिकन को इस तरीके से प्रिपेयर करने से चिकन एकदम सॉफ्ट बनता है। एक वॉक ले लीजिए, वॉक अच्छे से गर्म होने दीजिए। अब उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए, 1 टेबलस्पून चॉप किया अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप किया लहसुन, 1 से 2 चॉप की हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड तक आपको अच्छे से इसको कुक कर लेना है हाई फ्लेम पर। अब इसमें जो चिकन है उसे ऐड कर दीजिए। चिकन को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको कुक करना है। एक बार चिकन आपका ऑलमोस्ट कुक हो जाए, वॉक में इस तरीके से थोड़ी सी जगह बना दीजिए। जो अंडे हमने फेंट के रखे थे वो अंडे इसमें ऐड कर दीजिए। अंडे ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सेट होने दीजिए। अंडा एक बार सेट हो जाए थोड़ा सा तो इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए और चिकन के साथ अंडों को भी पका लीजिए। एक बार अंडे जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप, 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 1 हरी मिर्च की पेस्ट, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा, टेस्ट के हिसाब से नमक, पिंच ऑफ व्हाइट पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून डार्क सोया सॉस डालकर इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। एक बार आपने अच्छे से स्टर कर लिया है तब इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक या गरम पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 4 टेबलस्पून पानी मिलाकर अच्छे से
मिक्स करके कौन सा स्लरी बना लीजिए ग्रेवी को थिक करने के लिए। अब ये स्लरी को ऐड करके आपको स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर कुक करना है जब तक कि आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक नहीं हो जाती है। ये वाली जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक होती है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे आपको थिक ही रखनी है, पतली ग्रेवी आपको नहीं बनानी है। एक बार ग्रेवी थिक हो जाए लास्ट में इसमें स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी चॉपर राइस की ग्रेवी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। देखा चॉपर राइस इस तरीके से बनते हैं और बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। ये जो ग्रेवी है बहुत सही लगती है, एकदम स्पाइसी होती है, टैंगी होती है। तो ज़रूर ट्राई करो ये इंडो चाइनीज़ देसी टाइप का चाइनीज़ अपने घर पे। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस चॉपर राइस रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।